इलाहाबाद जंगलों में क्यों खामोश पड़ा है आज? ये जंगली इलाका है, ये असल में नाहरगढ़ का इलाका है। क्या जुड़ा हुआ है कोई खौफ का राज? रास्ता भटक गए हैं, एक ऐसी जगह पर आकर पहुंच चुके हैं जहां से कहीं भी आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। झाड़ियों के बीच में से हमें निकल कर जाना होगा, क्योंकि हम जंगली इलाके में है तो जंगली जानवरों के आने का खतरा भी बना रहता है। ज़्यादा करीब हम जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनके अंदर सांप होने का खतरा बना रहता है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का चुनौतियों से भरा रास्ता तय करके हम एक ऐसी जगह पर आकर पहुंचे हैं। झाड़ियाँ हैं दीपिका, इन झाड़ियों का ध्यान रखो, आपके दुपट्टे में फंस गई है झाड़ी। आराम से रुक, काफी थक भी चुके हैं, थोड़ा इस बहाने आपसे बात करने के लिए हम रुक भी जाते हैं। नाहरगढ़ के खौफनाक जंगलों में बीचों बीच वजूद की तलाश में एक अनछुई अनजानी चीज। आखिर क्या है नाहरगढ़ के खौफनाक पियाबा के बीच बसी इस अनदेखी अनजानी जगह की दास्तां? क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व और आखिर क्यों खौफ का एहसास कराता है ये माइलाबाग? चंद लेकर आ रहे हैं आपके लिए खौफ का राज माइलाबाग।